इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के नए कार्यकारिणी का चुनाव रविवार को सीतापुर हॉस्पिटल में पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें इस बार रिकॉर्ड 612 मत पड़े। इस दौरान प्रत्याशी और उनके समर्थक मतदान समय तक डटे रहे और सदस्यों ने सादगी के साथ अपना मतदान किया। मतदान के बाद शुरू हुई मतगणना में कांटे की टक्कर में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर शिवशंकर शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को पराजित किया और अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमा लिया। चुनाव अधिकारी डॉक्टर SC वैस, डॉक्टर स्मिता जायसवाल, डॉक्टर AP गुप्ता ने बताया कि अध्यक्ष पद पर डॉक्टर शिवशंकर शाही, सेक्रेटरी पद पर डॉक्टर PC शाही, उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर अमित गुप्ता और डॉक्टर गगन गुप्ता, कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर अजय शुक्ल, कल्चरल सेक्रेटरी डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव, मंद बुद्धि बाल संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर PN श्रीवास्तव, मंद बुद्धि बाल संस्थान के सचिव डॉक्टर भारतेंद्र जैन और मीडिया प्रभारी पद पर डॉक्टर इमरान अख्तर निर्वाचित हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही ने कहा कि IMA को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करूंगा तथा चिकित्सकों के हित में कार्य करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर SC वैस्य तथा चुनाव की घोषणा करते हुए चुनाव अधिकारी डॉक्टर AP गुप्ता और नव निर्वाचित IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर SC वैश्य है, मैं मुख्य चुनाव अधिकारी हूँ। मेरे साथ में दो चुनाव अधिकारी हैं, डॉक्टर AP गुप्ता और डॉक्टर स्मिता जायसवाल, जो लोग चुनाव अधिकारी हैं। ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर शाखा है, उसके लिए चुनाव किया जा रहा है और उसके जो जो अध्यक्ष पद हैं, उपाध्यक्ष पद है और इसमें कोषाध्यक्ष पद है और जॉइंट सेक्रेटरी का जो पद है, उसके लिए चुनाव चल रहा है। हमारे यहाँ सेक्रेटरी जो है वो 2 वर्ष के लिए होता है, तो दो उसमें वो ऑलरेडी हमारे सेक्रेटरी का चुनाव हो चुका है पहले ही। अब उनका पद जो है चूँकि दो साल के लिए है, तो वो 2 साल तक चलेगा। इसका परिणाम जो है हम आशा करते हैं कि लगभग 4 बजे तक परिणाम आ जाए। आज इन्हीं लोग चेहरा में ढके लोग जीते हैं, अभी जीते हैं, बताइए। हम तो भैया हाथ दिखा नहीं, बहुत मुश्किल से ही अब तो ठीक। ये IMA गोरखपुर का वार्षिक चुनाव आज संपन्न हुआ है, जिसमें काफ़ी
मतदाताओं ने भाग लिया है। इस साल में एक बार ऐसे कार्यकारिणी की चुनाव होती हैं, इसमें जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं डॉक्टर शिवशंकर चाही चुने गए हैं सबके मतों से जो है, और उपाध्यक्ष पद हेतु जो है दो डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा और डॉक्टर गगन गुप्ता चुने गए हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर अजय शुक्ला चयनित हुए हैं और मीडिया प्रभारी पद के लिए डॉक्टर इमरान अख्तर चुने गए हैं, और बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। तो ये साल में आईएमए गोरखपुर का एक बार वार्षिक चुनाव होता है, इस तरह से ये संपन्न हुआ। इस चुनाव में मैं डॉक्टर एपी गुप्ता चुनाव अधिकारी और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ चुनाव अधिकारी डॉक्टर एससी बैस और डॉक्टर स्मिता जसमाल, इन लोगों ने और हमारे साथ सारे हमारे वॉलेंटियर्स आईएमए के सदस्य सीनियर सदस्य लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से योगदान करके सराहनीय काम किया और संपन्न करवाया ये चुनाव। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बहुत बड़ी संस्था है और इसमें हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। इस बार ये दिया गया कि यंगस्टर को, नए लोगों को मौका दिया जाए, तो मेरी पूरी टीम जो बनाई गई थी वो 100% जीती है, कोई हारा नहीं है। और इस साल हम लोग आईएमए के लिए एक नई दिशा, एक नई गति देने के लिए कोशिश करेंगे, जिसमें मुख्य मुद्दा हमारा आईएमए भवन बनने का है। आईएमए भवन में कोशिश किया जाएगा कि निःशुल्क दिव्यांग बच्चों का, जैसे मंद बुद्धि बाल संस्थान राप्ती नगर में चल रहा है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको स्वरोजगार दिया जाता है। एक अंग वहाँ रहेगा, वहाँ एक ब्लड बैंक खुलेगा जिससे गरीबों को निःशुल्क ब्लड की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी बहुत ब्लैक मार्केटिंग समाज होती है, और स्पेशलिस्ट तरह सुपर स्पेशलिस्ट की ओपीडी चालू होगी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट रहेगी। अब ये ओपीडी हमारे सीतापुर हॉस्पिटल में चल रही थी, कोरोना के कारण से बंद हो गई थी, उसे मैं तत्काल प्रभाव से चालू करने की कोशिश करूँगा। हो सकता कल परसों से भी हम ओपीडी दोबारा चालू हो जाए, 2 साल से बंद है, और जैसे आईएमए भवन बनेगा वह मेरी ओपीडी वहाँ चली जाएगी। दूसरा हमारा क्विक एक्शन एक बना हुआ आईएमए का, क्विक एक्शन का काम होता है अगर हमारा कोई भी आईएमए समर्थ सदस्य संकट में है तो हमारी टीम जाकर उसकी मदद करती है। जैसे अगर वो किसी ऑपरेशन में फंसा है, किसी मरीज की इलाज करने में उसको परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर जाकर उस मरीज का इलाज करने में मदद करते हैं। अगर उसके अस्पताल में कोई मारी पीटी होती है, कोई अभद्र व्यवहार करता है, तो डॉक्टर पहुँचते हैं, पुलिस प्रशासन की मदद लेते हैं, और कानून के नियम के अंदर मारपीट कहीं नहीं हुई है, कहीं भी गैर कानूनी काम नहीं हुआ है, कानून के नियम के अंदर उस समस्या का समाधान किया जाता है। उसको हम लोग अपग्रेड करेंगे, जिसमें 2 चीज़ें मुख्य रखी गई हैं कि हमारा आईएमए सदस्य जो सीनियर सिटीजन हैं, ऐसा देखा गया है कि बहुत से डॉक्टर जिनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं और अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन जाकर रहते हैं, यहाँ डॉक्टर अकेले रहते हैं, उस डॉक्टर के घर आईएमए ऑफिस का फ़ोन नंबर रहेगा, हर हफ्ते 10 दिन में आप ही से फ़ोन जाएगा, उनकी हालचाल पूछी जाएगी, उनको दवा की कमी हो, उनके घर साग सब्जी पहुंचाना हो तो एक कर्मचारी पहुंचाएगा उसके घर, और ईयरली हर साल में एक बार हेल्थ चेकअप होगा, क्योंकि माना गया है कि डॉक्टर सबसे पुअर मरीज होता है, वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता है, वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बगैर मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा सोचता है, इसलिए उसका ज़बरदस्ती कहीं या रिक्वेस्ट करके एम्बुलेंस में लाद कर उनका हर साल स्वास्थ्य परीक्षण होगा, ताकि ढेर सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं। अभी डॉक्टर शालिनी गुप्ता रात को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया था, अगर उनका प्रॉपर चेकअप होता तो शायद ये घटना नहीं होती, ढेर सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे नए डॉक्टर आ रहे हैं, उनको ये देखा जा रहा है कि उनके लिए जब से गोरखपुर में आता है तो कुछ लोगों की गिद्ध रूपी निगाहें पड़ी रहती हैं, जिसमें नगर निगम जीटीए और ढेर सारे प्रशासनिकार थे, डाटा इसको नोच लो, उसकी क्लिनिक के लिए स्टेशन योजना करना, उसको ज़मीन खरीदना, ये सब चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे उस डॉक्टर को किस तरह से हम मदद करके सिर्फ प्रैक्टिस चालू करें, शुरू में उसकी हम लोग मदद करेंगे, अपने अस्पताल में निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट चैम्बर देंगे, आराम से करेंगे, वो कहीं क्लिनिक खोलना चाहेंगे उनका सीएमओ ऑफिसर स्टेशन, नगर निगम से अनुसी, जीडीए से नक्शा, सारा काम आईएमए कराएगी, ताकि नए आए हुए बच्चों को थोड़ा सा भी परेशान न पड़े, वो आईएमए का हेडेक होगा। इसके अलावा ढेर सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसको हम बताएंगे। हमारे
जो प्रोटोकॉल में है, जो चुनाव लड़ते समय मैंने घोषणा पत्र दायर किया था, उसे सब चीज़ें लगाई जाएगी प्रॉपर। उसको बढ़िया से डिस्कस करना नहीं चाहते, किसी दिन और बताएंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य वही है। IMA भवन चेट्टी के तौर पर बना, क्विक एक्शन, सीनियर सिटीजन, सीनियर डॉक्टरों की देखभाल और नए आए वाले बच्चों को परेशानी न हो अपनी प्रैक्टिस करने में, उनकी मदद करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं और यह करेंगे। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने ऐसा कर दिया है कि लगभग क्रिमिनल खत्म हो चुके हैं। एक दो धमकी जब आई है वो कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं। डॉक्टर शशिकांत दीक्षित का मामला बहुत छोटा था, साल हो गया है और बहुत दिन हो गया, धमकी नहीं आ रही है। अगर हम ऐसा संगठित रहेंगे कि अब धमकी देने वाले कोसों दूर रहेंगे, वो धमकी जब देते थे जब हम डॉक्टर विभाजित थे, डॉक्टर अलग था, IMA का अस्तित्व नहीं था। अब हमारा संगठन है जो गोरखपुर नहीं उत्तर प्रदेश तरह नेशनल लेवल पर है और संगठन में कहा जाए संघे शक्ति कल जुगे, अगर कलयुग में संगठन है तो शक्ति है। तो अब ऐसा हमला करेंगे कि कोई भी माफिया एक बार फोन करने से 100 बार सोचेगा, किसी डॉक्टर को धमकी देने से 100 बार सोचेगा। अगर गलती से कर दिया जब ऐसा हश्र होगा कि आने वाली उसकी पीढ़ियां याद करेंगी।